जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वो है सफला एकादशी। इस एकादशी की व्रत कथा, विधि और महत्व के बारे में। देखिए, ये जो एकादशी है, सफला एकादशी, यह इस साल की पहली एकादशी है और इस साल की जो शुरुआत है यह इस एकादशी के व्रत से हो रही है। इस बार भगवान विष्णु की भक्ति के साथ आप अपने इस साल की शुरुआत भी कर सकते हैं। साल की पहली एकादशी जो है ये 9 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। पौष यानी कि पुष भी इसको कहा जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही हम सफला एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और आपके सभी कार्य निर्विघ्न होकर पूर्ण रूप से होते चले जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस एकादशी के व्रत करने की विधि और व्रत कथा क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सफला एकादशी का महत्व क्या है। हिंदी पंचांग में बताया गया है कि पौष यानी कि पौष मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वही सफला एकादशी होती है और इसे पौष एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करने से विशेष फल भी प्राप्त होता है। एकादशी के सभी व्रतों में सफला एकादशी के व्रतों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ करने से आपको सौभाग्य और सफलता की भी प्राप्ति होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस एकादशी की पूजन विधि क्या है। जैसे कि हम अन्य एकादशी को हम मनाते हैं, उसकी हम जो पूजा विधि प्रयोग में करते हैं, यही इसकी भी है। प्रातः काल आप उठें, उठने के बाद स्नान करके व्रत करने का संकल्प लें, फिर अपने पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, सुपारी, फल और नारियल भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु हैं, इन सबको आप पूजा में उनको अर्पित करें। सफला एकादशी के व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर आप पढ़ने में सक्षम ना हो तो आपको ये कथा जो है सुननी भी चाहिए। इस शुभ अवसर पर आप भगवान विष्णु नारायण के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। कुछ लोग अपने घर में इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाते हैं। इस अवसर पर रात्रि जागरण का भी बहुत ही अधिक विशेष महत्व माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसकी कथा क्या है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी सही विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताएं। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर ही करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से सब व्रतों में एकादशी का व्रत ही सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे हमेशा ही परम प्रिय रहे हैं। अब इस व्रत की विधि मैं तुमसे कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल यानी कि जो मौसमी फल हो उसको नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं को आप संग्रह कर सकते हैं। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफल एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा भी सुन लीजिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा ही राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्य गमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा करना उसका काम था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में उसने, वह जो दुष्ट बुद्धि था ही, उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की ही नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उनको मारने का भी कुकर्म करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य कर्मचारी उसे पकड़ लेते थे किंतु राजा के भय से उसको छोड़ भी देते थे। वन के एक अति प्राचीन विशाल
वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा भी करते थे। उसी वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप तृप्त हो जाओ। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसे उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी भी हो गई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने उसे प्रसन्न होकर उसको समस्त राज्य का भार भी सौंप दिया और बनकर रास्ता अपना लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिल जाती है, और जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो देखिए, ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। आशा करते हैं कि आप इसको श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय श्री कृष्णा।